रहेंगे दर्द जिंदगी में तो खुशी का इंतजाम क्या होगा। निकल पड़े हैं जो हम बदलने खुद को, ना जाने इन सफर का अंजाम क्या होगा। तो हमारा सफ़र स्टार्ट होता है यहाँ से। और ये क्लिफ है 12 माइल का एक सुंदर से जगह का, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बता दूं कि मैं 12 माइल में था और वहीं से गया था मैं मेहमानी मौसी का। यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगा, क्या कि जाने टाइम थोड़ा मौसम ख़राब हो गया था, बारिश आने लगा था, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे। इसकी वजह से हमने कुछ मज़ा नहीं किया, बस गए खाना खाए, थोड़ा देर बैठे और आ गए। और आगे जो क्लिप देखने वाले वो मेरा फ़ोटोशूट वाला, जो कि मैंने बहुत ही दिनों के बाद फ़ोटोशूट पर दिया है। और जो ये हमारा पहला लोकेशन था, जो कि हमारा फोटो शूट वाला था, और ये लोकेशन एक जंगल के बीच वाला रोड का था, जो कि काफ़ी अच्छा था और काफ़ी अच्छा फोटो भी आ रहा था। तो हमारा ये हमारा फर्स्ट लोकेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फोटो शूट के बाद लोग दिखा पड़ते हैं दूसरे लोकेशन की ओर। आप लोग ये लोकेशन पहचान रहे होंगे, अगर पहचान रहे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कौन सा लोकेशन है। और यहाँ से हमारा फ़ोटो शूट का सफ़र यहाँ से ख़त्म होता है। और मुझे ये फ़ोटो शूट में काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि इसमें नए नए दोस्त सब थे, इसीलिए काफ़ी अच्छा लगा। और काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो हम लोग निकल चुके थे शाम के समय में, तो शाम हमारा हो चुका था। तो मैंने कुछ शाम के समय में मैंने कुछ क्लिप मैंने लिए थे, वो क्लिप आप देखिए। We'll be right back.
फिर नेक्स्ट डे हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं और एक मेहमानी की तरफ। और यहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं सपारोम। तो हम लोग गए थे मेहमानी सपारोम, जो कि मेरे गांव से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। और इसमें गाइस मैं पहली बार इस तरह का गाइस मेहमान आया था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये क्रिश्चियन का मेहमानी था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा। ये था मेरा 13 दिन का सफ़र, जो कि मैं पहली बार 13 दिन घर से बाहर था। बट गाइस जहाँ भी था काफ़ी अच्छा था। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं घर से दूर हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं घर ही में हूँ। और घर ही वाला पूरा फील आ रहा था, क्योंकि जो मेरे मौसी थे, मेरे मौसा था और मेरे भाई लोग थे, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगे, मुझे काफ़ी प्यार दिए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इन 13 दिनों में मेरे साथ एक हादसा हो गया, वो आपको मैं बताता हूँ। जो हादसा हुआ वो था गाइस, जो मैंने घर वाले जो मैंने क्लिप लिए थे वो मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे मैंने क्लिप लिए थे, वो मेरे डिलीट हो चुके थे। इसके वजह से गाइस ये हमारा ब्लॉग आधा अधूरा बन चुका है, जो कि इतने दिन मैं घर से बाहर रहा और अच्छा भी लगा। और गाइस में आने टाइम गाइस मुझे आने नहीं दे रहे थे, बट गाइस में ज़बरदस्ती आया। जो मेरी बहन थी वो गाइस मुझे आने नहीं दे रही थी, तो क्या करूँ यार, आना पड़ा। क्योंकि उतना दिन तो मैं नहीं रह सकता, जितने दिन भी आने था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने वहाँ क्यों गया था। वहाँ था मेरा काम, और वो काम का भी मैंने क्लिप मैंने लिए थे, वो भी मैंने डिलीट हो चुके थे, तो उस वजह से मैंने ये वो मैंने नहीं दिखाया, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो मैंने गया था किस लिए, मैं गया था वहाँ काम पड़ रहा था, घर ढलाई था, तो उसी के लिए मैंने गया था। तो वो मेरा काम कम्प्लीट हो चुका था, तो उसी के कम्प्लीट करने के बाद मैं घर आ चुका हूँ। और आने टाइम गाइस मुझे मैंने मना कर रहा था, फिर भी गाइस उसने मेरे थोड़े पैसे दिए, और वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है। और आने टाइम गाइस मुझे मेरे कुछ गिफ्ट भी दिए, वो आपको मैं दिखाता हूँ।